कीवर्ड है हाउस. तो एच स्टैंड्स फॉर सम अदर प्रिंसिपल, ओ स्टैंड्स फॉर सम अदर प्रिंसिपल, यू स्टैंड्स फॉर सम अदर प्रिंसिपल. इसी तरीके से हर एक इनिशियल के साथ एक प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है. तो अभी हम इस कीवर्ड में कौन से प्रिंसिपल्स कवर होते हैं वो देखते हैं. तो हाउस में एच फॉर हार्मनी, ओ फॉर अपोजिशन, यू फॉर यूनिटी एंड एस फॉर स्केल, ई फॉर एम्फसिस. ये पांच प्रिंसिपल्स इस एक कीवर्ड में कवर होते हैं. सम डिजाइन प्रिंसिपल्स में आपको राइट अबाउट सम डिजाइन प्रिंसिपल्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो इसमें से फर्स्ट है हार्मनी. प्लीजिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इन अ कंपोजिशन. Harmony involves the selection design of the element that share a common trait. However, harmony becomes monotony without variety. So, कल ही हमने हार्मनी का डेफिनेशन देखा था. हार्मनी मतलब क्या होता है, कल ही हमने इसका एक डेफिनेशन देखा था. रिदम का देखा, हार्मनी का देखा था, हार्मनी का ही देखा था. कोई बता सकता है? बात करो, रिवीजन सेशंस चल रहे हैं, पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं चल रही है. ठीक है. प्लीजिंग एडाप्टेशन रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीपल एलिमेंट्स को जब आप प्लीजिंग वे में अरेंज करते हो, उसका प्लीजिंग वे में अरेंजमेंट होता है या फिर कंपोजिशन होता है, तब हम बोलते हैं कि उसमें हार्मनी है. तो समटाइम्स अब प्लीजिंग एडाप्टेशन के साथ उसमें प्रिडिक्टेबल रिपीटेशन होता है. जब प्रिडिक्टेबल रिपीटेशन होता है तो मैक्सिमम टाइम्स ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको सेम एलिमेंट्स के साथ ही रिपीट करो. तो जब भी आप सेम एलिमेंट्स को रिपीट करते हो तो वो मोनोटोनस बन जाता है, उसमें जो क्रिस्प है वो कम हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट है वो कम होता है उसमें, क्योंकि रिपीटेटिव एलिमेंट्स की वजह से वो मोनोटोनी ज्यादा एक्सप्रेस करता है या फिर शो करता है. तो हार्मनी के लिए वेरियस डिजाइन है, जैसे ये अभी है कि कंपोजिशन ऑफ स्टोन्स जो है, बैलेंसिंग कंपोजिशन ऑफ स्टोन्स. तो ये देखो, आई प्लीजिंग है, बैलेंसिंग है और प्रेडिक्टेबल है कि स्टोन्स के ऊपर स्टोन्स ही रखे हुए हैं, जिससे कि आप ऊपर भी, मतलब अभी जो लेयर इसके ऊपर नहीं है उसके बारे में भी गेस कर सकते हो कि वो वेट बैलेंसिंग रहेगा इधर दिस साइड और दिस साइड. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाता है वो है हार्मनी. मतलब जब आप गेस कर लेते हो कि नेक्स्ट क्या होगा विजुअल, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा विजुअल का, ये जब आप गेस कर लेते हो तब वो उस पूरे ओवरऑल कंपोजिशन में, उस फॉर्मेट में रिदम है या फिर हार्मनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं. मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ. तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, सपोज ये शेप है, ये इमेज है, तो इसमें आपको पता है कि सीक्वेंस मेंटेन हो चुका है. जैसे फर्स्ट अगर बड़ा सर्कल है तो उसके बाद छोटे 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 सर्कल्स आ रहे हैं,
तो इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन है, आप गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा। वैसे ही इसमें भी सीक्वेंस मेंटेन है, आप प्रोपोर्शन की वजह से गेस कर सकते हो। रिपीटेटिव यूज ऑफ एलिमेंट्स, जिससे कि आप गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा। जब भी प्रेडिक्टेबल नेक्स्ट एलिमेंट्स हो तब हम कह सकते हैं कि उसमें हार्मनी है। सो मेजरली ये रिपीटेटिव एलिमेंट्स के साथ होता है, इसीलिए वो मोनोटोनस भी हो जाता है। सो हार्मोनियस डिजाइंस। नेक्स्ट है अपोजिशन। अब अपोजिशन बाय कलर कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, बाय शेप हो सकता है, बाय साइज हो सकता है, बाय टेक्सचर हो सकता है, टाइप ऑफ लाइन हो सकता है, या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। सो देर आर मेनी थिंग्स टू क्रिएट एन अपोजिट। पेंटिंग विथ हाई कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेज बिटवीन लाइट एंड डार्क फॉर एग्जाम्पल हैव अ डिफरेंट फील देन पेंटिंग विथ मिनिमल कॉन्ट्रास्ट इन लाइट एंड डार्क सच एज द विस्लर नोक्यूर्न सीरीज। इन एडिशन टू लाइट एंड डार्क कॉन्ट्रास्ट कैन बी डिफरेंसेस इन शेप कलर साइज टेक्सचर्स टाइप्स ऑफ लाइन्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे अपोजिशन का मतलब क्या है, जब दो अपोजिट चीजों को आप साथ में रखते हो तब वो एक कलर बैलेंस करती है या फिर तब एक वो विजुअल बैलेंस क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट है ब्लू अगेंस्ट ऑरेंज, तो सिमिलरली आप दो अलग अलग चीजों को ले सकते हो, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स अगेंस्ट नेचुरल शेप। सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स रखे हुए हैं, उसमें कोई एक नेचुरल शेप रख दिया तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। अगर सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, उस पर आप कोई कलर एलिमेंट रखते हो तो वो अपोजिशन क्रिएट करेगा। ये इस तरीके से हम अपोजिशन क्रिएट करके डिजाइन में मोर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर विजुअल एलिमेंट्स को उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हो। जैसे कि पूरा बैकग्राउंड जो है वो रफ सरफेस से है और जो आपका एक ही एलिमेंट होगा एम्फोसिस क्रिएट करने वाला वो आपका स्मूथ टेक्सचर के साथ होगा, तो इस तरीके से भी अपोजिशन क्रिएट हो सकता है। या फिर आप जैसे मेनली डिजाइन में करते हो तो बाकी सारे फॉन्ट्स जो रहते हैं वो सिंपल रहते हैं, बस टाइटल फॉन्ट जो होता है वो बड़ा रहता है, या फिर लोगो का फॉन्ट जो रहता है वो थोड़ा फैंसी रहता है, रिलेवेंट टू द स्ट्रीम रहता है। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस चीज पर हमारा रीडिंग फ्लो जिस पर हमें स्टार्ट करना है उस एलिमेंट पर ज्यादा एम्फोसिस हम पा सके, इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट जनरेट करते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट आप कलर से भी क्रिएट कर सकते हो, शेप से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर टेक्सचरल वैल्यूज से भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप विजिटिंग कार्ड अगर देखो तो उस पर दो तरीके के लेमिनेशन रहते हैं, एक स्पॉट लेमिनेशन रहता है और दूसरा मैट लेमिनेशन रहता है। तो जनरली आप जब विजिटिंग कार्ड देखते हो तो आपको बाकी सारा सरफेस जो है वो प्लेन नजर आता है, बस कंपनी का जो नाम रहता है वो थोड़ा सा ग्लॉसी लेमिनेशन में आता है। तो इस तरीके से वो सरफेस मतलब टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट देकर उसे इम्पोर्टेंस या फिर एम्फोसिस उसमें गेन किया जाता है। इस तरीके से हम किसी भी लेआउट में अपोजिशन के थ्रू एम्फोसिस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिजाइन को ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग अपोजिशन इन इट, बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट इन इट। कुछ डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट इज यूनिटी। तो यूनिटी के तीन टाइप्स है, मतलब कोई भी डिजाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर हम यूनिटी का यूज कर रहे हैं तो यूनिटी वी कैन यूज बाय थ्री मेथड्स। वन इज प्रॉक्सिमिटी, देन रिपीटेशन एंड कंटिन्यूएशन। सो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, जैसे ये फर्स्ट इमेज है तो इसमें आइसक्रीम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स है, राइट? मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है लेकिन एक ही सब्जेक्ट है, सारे आइसक्रीम्स ही है, आइसक्रीम कैटेगरी के अंदर ही अलग अलग टाइप्स है, जैसे फ्लेवर्स होगी अलग अलग, राइट? तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक ही सब्जेक्ट को डिनोट करता है तब होती है प्रॉक्सिमिटी।
जैसे सब फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहां पे पेंसिल इरेजर पेपर और कलर पैलेट रख देते हैं या फिर कैनवस रख देते हैं तो वो आर्टिस्ट का एक सब्जेक्ट हो जाता है या फिर आर्ट एक सब्जेक्ट हो जाता है उसमें, तो उसमें भी प्रॉक्सिमिटी है. तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब रिलेवेंस होता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जब एक सब्जेक्ट को डिनोट करने लगता है तब हम कहते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स में प्रॉक्सिमिटी है. मतलब टाइप ऑफ यूनिटी ही है ये, तो उस सर्कमस्टेंसेस में हम कहते हैं कि उसमें प्रॉक्सिमिटी है. जब दोनों मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेवेंस हो और वो एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हो तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि उसमें प्रॉक्सिमिटी है. देन देयर इज अ सेकंड यूनिटी टाइप रिपीटेशन. रिपीटेशन में सेम ही एलिमेंट को रिपीटेटिवली यूज किया है. जैसे ये सेकंड पेंसिल वाला ऑप्शन है तो उसमें आप देख सकते हो कि एक ही एलिमेंट को रिपीटेटिवली यूज किया हुआ है. तो ये रिपीटेशन होता है जिससे हम पैटर्न जनरेट करते हैं. तो उसमें आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, कोई भी बेसिक शेप को ले सकते हो, कोई भी एनिमल को ले सकते हो. तो पैटर्न्स मतलब जो आप मेजरली आपको ये क्लोदिंग में दिखाई देगा कि आप पैटर्न्स जनरेट करते हो. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स से हम कोई एक टेक्सचर फॉर्म करते हैं, कोई एक डिजाइन पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो वो एक टाइप ऑफ मतलब यूनिटी है कोई भी डिजाइन में. तो ये आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा इस टाइप का यूनिटी देखोगे या फिर टेक्सटाइल डिजाइन में आप इस तरीके यूनिटी को ज्यादा देखोगे, रिपीटेशन यूनिटी को. देन देयर इज कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन मतलब तो प्रोसेस के रिपीटेटिव प्रोसेस जो होती है, जैसे ग्रोथ का प्रोसेस है फ्रॉम स्मॉलर डिविजन टू ग्रोन वर्क, मतलब पूरी तरीके से जिसका ग्रोथ हो चुका है उस तरीके वहां तक के. तो ये जो कंटिन्यूएशन साइकल्स है वो सारे कंटिन्यूएशन में आते हैं. फॉर उसमें हम क्लॉक भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जो छोटे से बड़ा होते जा रहा है और वापस छोटा हो सकता है. तो ये कंटिन्यूएशन है, इस तरीके से भी यूनिटी फॉर्म होती है. तो ये तीन टाइप ऑफ यूनिटी है. एक प्रॉक्सिमिटी जिसमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही सब्जेक्ट को डिनोट करता है, फिर रिपीटेशन जिसमें एक ही एलिमेंट का रिपीटेटिव यूज है, फिर कंटिन्यूएशन जिसमें आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी है. हार्मनी से रिलेवेंट ही है ये थोड़ा. तो ये कंटिन्यूएशन, तो ये तीन टाइप के यूनिटीज को आपके डिजाइन लेआउट में यूज करके डिजाइन को अपीलिंग बना सकते हो. तो समटाइम्स हम बैकग्राउंड को अपीलिंग बनाते हैं, बैकग्राउंड को अपीलिंग बनाने के लिए हम पैटर्न्स का यूज करते हैं उसमें. तो मैं जस्ट तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, नाउ प्रॉक्सिमिटी इन डिजाइन आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, डिस्कस कर पाएंगे. सी, प्रॉक्सिमिटी इन डिजाइन में आप ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विच इज डिनोटिंग अ सेम सब्जेक्ट. तो इस तरीके के जो आप डिजाइन देखते हो उसमें प्रॉक्सिमिटी का यूज हुआ है, इसमें प्रॉक्सिमिटी का यूज हुआ है. या फिर इसमें भी प्रॉक्सिमिटी का यूज हुआ है. सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं तब तक वहां पे प्रॉक्सिमिटी है. तो ये प्रॉक्सिमिटी जनरेट कर रहा है. नाउ रिपीटेशन या फिर पैटर्न जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट का रिपीटेटिव यूज है. अब इसको आप कंटिन्यूएशन में भी ले सकते हो, फ्रॉम स्मॉलर स्केल टू लार्जर स्केल, इसको भी हम कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं. ये पैटर्न में आ सकता है. सॉरी,
सी ये लेफ्ट साइड जो है वो पैटर्न में आ सकता है. पैटर्न यहाँ पर पैटर्न जनरेट हो रहा है. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डिजाइन को मोर मतलब आपको डिजाइन क्रिएट करने के लिए चार्जिंग स्वेटर करने के लिए नहीं आप इतनी मारे जगह पर पेड़ होते ना तू अगली बार चल निकल. यहाँ पे देखिए वापस प्रॉक्सिमिटी है. अलग अलग शॉट्स को एक ही सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश है. तो इस तरीके से आप इन प्रिंसिपल्स का यूज करके इम्पैक्टफुल डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. ओके तो यूनिटी के बाद नेक्स्ट है स्केल, जिसमें हम साइज एंड प्रोपोर्शन डिफाइन करते हैं. जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उस चीज का स्केल हम ज्यादा रखेंगे, जिस चीज को कम इंपॉर्टेंस देना है उसका स्केल हम छोटा रखेंगे, जिससे कि रीडिंग फ्लो डिफाइन होता है. साइज जो है वो इंपॉर्टेंस को भी डिनोट करती है. तो इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अलग डिजाइन लेआउट्स में. स्केल को एज प्रोपोर्शन भी ले सकते हो आप. सो सी अब जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसका प्रोपोर्शन अल्टीमेटली बड़ा रखा हुआ है कंपेयर टू सेकेंडरी थिंग. वैसे ही यहाँ पर भी देखो. सो इस तरीके से स्केल का यूज करके मतलब कौन सी चीज प्रोपोर्शन में बड़ी रखनी है कौन सी चीज प्रोपोर्शन में छोटी रखनी है इसका यूज करके आप अपने डिजाइन को ज्यादा एनहांस कर सकते हो. अब इसमें देखो अगर ये वहीं पे दिखाया होता मतलब फोकस इतना ही शॉर्ट दिखाया होता तो ये जो आपको टाइम क्लॉक की तरह एक शेप जनरेट हो रहा है वो नहीं हो पाता. दिस इज प्रोपोर्शन. क्या आप कौन से एलिमेंट को कितने स्केल में रखोगे. डिजाइन एलिमेंट्स को कितने प्रोपोर्शन में कितने स्केल पे रखना है कितना एरिया जो है वो ब्लैंक रखना है दैट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्केल. 3/4 1/4 डिवीजन हो सकता है इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली. 1/4 3/4 डिवीजन हो सकता है जैसे 1/4 में इमेज है 3/4 एरिया जो है वो ब्लैंक रखा हुआ है. वापस 1/4 3/4 ये भी उसी तरीके से है. डिजाइन एलिमेंट्स एरिया टेक्स्ट कितना है टेक्स्ट 3/4 है तो एलिमेंट्स कितने हैं. सी 1/4 एरिया में टेक्स्ट है 1/4 से भी कम है और बाकी एरिया जो है वो एज अ डिजाइन लेआउट यूज हुआ है. तो इस तरीके से भी आप स्पेस डिवाइड करके ले सकते हो.
इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रोपोर्शन स्केल, कौन से एलिमेंट को बड़ा दिखाना है, कौन से एलिमेंट को छोटा दिखाना है, वापस एलिमेंट, स्केल, एक ही एलिमेंट को कितना बड़ा रखा है उसकी तरफ पूरा ध्यान जाए, इसलिए स्केल देखो, जिस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है उसको सबसे बड़ा दिखा, स्केल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली स्केल डिफाइन होता है। तो स्केल के बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है एम्फसिस। एम्फसिस भी तीन तरीकों से होता है, एम्फसिस बाय कॉन्ट्रास्ट, एम्फसिस बाय प्लेसमेंट और एम्फसिस बाय आइसोलेशन। तो ये तीन तरीके से एम्फसिस होता है। फर्स्ट एम्फसिस है एम्फसिस बाय कॉन्ट्रास्ट, जिसमें आप कलर कॉन्ट्रास्ट का यूज करके एलिमेंट को एम्फसाइज कर सकते हो। मतलब अगर बाकी आपका ब्लैक एंड व्हाइट लेआउट है तो उस पर उसके एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट से आप एम्फसिस जनरेट कर सकते हो, उस एलिमेंट को फोकस दे सकते हो, या फिर डिजाइन में एक क्या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस या फिर रीडिंग फ्लो जो है या फिर डिजाइन का अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट। तो मैं उसके एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। सी कलर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, वापस कॉन्ट्रास्ट, आप इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट जनरेट कर सकते हो। कलर्ड अगेंस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरीके से आप कलर कॉन्ट्रास्ट का यूज करके एम्फसिस क्रिएट कर सकते हो आपके डिजाइन लेआउट में। कलर कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड रेड है इसलिए फोरग्राउंड पे सारे ब्लैक कलर्स को यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है एम्फसिस बाय आइसोलेशन। सो आइसोलेशन का मतलब हम देखते हैं। आइसोलेशन मतलब किसी भी ग्रुप से अलग कर देना।
सो आइसोलेशन इन डिजाइन, ये इस तरीके से जब आप ग्रुप से एक एलिमेंट को अलग कर देते हो तब वो आइसोलेशन इन डिजाइन होता है। तो इस तरीके से बाकी अलग ऑब्जेक्ट्स में जब एक ही अलग ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो तब भी वो आइसोलेशन फॉर्म करता है। सो इसमें भी आइसोलेशन फॉर्म हो रहा है, रिलेवेंट चीजों के बीच में एक ही चीज है, यहाँ पे देखो आइसोलेशन फॉर्म हो रहा है। ग्रुप में ऑब्जेक्ट को अगर आप सेपरेटली रख पाते हो तो वो आइसोलेशन हो जाता है। ग्रुप से सेपरेट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कर देते हो तो दिस इज ऑल्सो आइसोलेशन, कि आप बाकी सारे इवेंट्स को एक जगह पे दिखा रहे हो और मेन जो आपका कैरेक्टर है उसको एक जगह पे दिखा रहे हो, तो वो भी आइसोलेशन का ही फॉर्म है। तो इस तरीके से आप डिजाइन में आइसोलेशन से भी एक विजुअल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बेल सेपरेटली रखा हुआ है ताकि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान चला जाए। टाइप ऑफ आइसोलेशन है। अब नॉर्मल पोस्टर डिजाइन्स को अगर आप देखेंगे तब आपको वो और क्लियर होगा। इस पूरे लेआउट में इस टेक्स्ट को या फिर इस एक एलिमेंट को कॉन्ट्रास्ट भी जनरेट किया है, बाकी सारे फ्लैट डिजाइन्स है और ये जो है वो डायमेंशनल बॉल दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रास्ट भी जनरेट हो रहा है और आइसोलेशन भी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो स्केल का यूज है वापस, ये कल भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था कि स्केल कौन सी चीज को बड़ा रखना है और कौन से एलिमेंट को छोटा रखना है, कौन से एलिमेंट को प्राइमरी फोकस देना है और कौन से एलिमेंट को सेकेंडरी फोकस देना है, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है। नाउ आइसोलेशन के एग्जांपल्स थोड़े हम देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखो इस लोगो को आइसोलेट करके सेपरेट पैच देकर उस पर अलग से प्लेस किया है ताकि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाए, दिस इज आइसोलेशन। या फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दिस इज आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको सेपरेटली रख के फिर उसको इम्पोर्टेंस गेन किया हुआ है, आइसोलेशन। इन बिटवीन ही कोई अगर टेक्स्ट है डिजाइन एलिमेंट के इन बिटवीन, बाकी पूरा टेक्स्ट यहाँ पर है और ये जो टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट से आइसोलेट करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि इसको रीडिंग फ्लो फर्स्ट देना होगा। कॉन्ट्रास्ट फ्लैट डिजाइन अगेंस्ट फोटोग्राफिक डिजाइन, अगेन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, फोटोग्राफिक डिजाइन अगेंस्ट ग्राफिक डिजाइन, जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट है उसको यूज किया हुआ है यहाँ पे। आइसोलेटेड फॉर्म, बाकी टेक्स्ट एक जगह पे है और लोगों के लिए सेपरेट प्लेसमेंट, ये तो आपको हर एक पोस्टर में देखने को मिलेगा आइसोलेशन। So emphasis by placement or emphasis by isolation, then there is emphasis by placement. Emphasis by placement मतलब जब भी आपको
किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस चाहिए, ज्यादा मतलब फोकस चाहिए, तब आपको गिवन एरिया के सेंटर में उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है या फिर उसको ज्यादा एम्फोसिस मिलता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। इसलिए उसका प्लेसमेंट जो है वो गिवन एरिया के सेंटर में होना चाहिए। ये एम्फोसिस ऑफ प्लेसमेंट, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट का प्रिंसिपल तुमको बता रहा है। तो इस तरीके से भी हम बहुत सारे डिजाइन देख सकते हैं जिसमें एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, जो भी एरिया आपको फोकस करना है उसको आपको सेंटर में रखना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा फोकस करनी है उसको आपको गिवन एरिया के फोकस में, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट मैक्सिमम टाइम्स यूज होने वाला प्रिंसिपल है। एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट, बाय कॉन्ट्रास्ट, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से एम्फोसिस कैसे गेन करना है। अब यहां पर प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑफ सेंटर है, बट मैक्सिमम डिजाइन में अगर आप देखो तो एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट, एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट अगेन। तो जब भी आप आपके मेन फोकस सब्जेक्ट को सेंटर, गिवन एरिया के सेंटर पे रखते हो, तब वो एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट होता है। सो एम्फोसिस बाय कॉन्ट्रास्ट, एम्फोसिस बाय आइसोलेशन एंड एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? मैं आइसोलेशन में लाइक बोल रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूं। आइसोलेशन, एम्फोसिस बाय आइसोलेशन मतलब जब आप ग्रुप से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते हो, जैसे यहां पे बाकी सारे हैंगिंग बल्ब्स है और एक क्रैक बल्ब है, तो इस तरीके से जब आप ग्रुप से किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते हो तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका ध्यान चला जाता है, तो उसको हम एम्फोसिस बाय आइसोलेशन बोलते हैं। जब उसको हम सेपरेट कर देते हैं ग्रुप से, तब हम उसे एम्फोसिस बाय आइसोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे पूरे ग्रुप में सिर्फ ये फ्रेमिंग है और यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर रखा हुआ है, जिससे कि ये जो प्लेस है वो ग्रुप से सेपरेट हो जा रहा है, तो ये एम्फोसिस बाय आइसोलेशन है। या फिर यहाँ पर पूरे जो कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से और सेंटर पे प्लेस है, ये एम्फोसिस बाय प्लेसमेंट भी हो सकता है। या फिर आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ रखते हो और उसमें से किसी एक बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड को ही आप सेपरेट रखते हो, तो वो भी एम्फोसिस बाय आइसोलेशन हो जाता है। सो दिस इज एम्फोसिस बाय आइसोलेशन। ओके, एम्फोसिस बाय आइसोलेशन, जब आप ग्रुप से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लेते हो तब वो एम्फोसिस बाय आइसोलेशन हो जाता है। जैसे सारे स्टार्स में एक मून रखा हुआ है, तो एम्फोसिस बाय आइसोलेशन। Isolation. ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पर हमारा थर्ड यूनिट खत्म हो जाता है। उसमें दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो राइट अबाउट विजुअल एलिमेंट्स,
राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट विजुअल एलिमेंट्स, तो वो 10 एलिमेंट है जिसके लिए हमने क्लास टीआरपी स्क्वायर ये कीवर्ड रखा हुआ था. और दूसरा है राइट सम डिजाइन प्रिंसिपल्स, तो उसमें आप हाउस को लिख सकते हो. और इसके साथ एक और कीवर्ड आता है बीवी कॉर्ड, तो वो पीपीटी में नहीं है, उसके में उसको मुझे टेक्स्ट में ही बताना पड़ेगा आपको. दो मिनट रुकना, होल्ड करो थोड़ी देर, मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ. इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल वो मैक्सिमम टाइम्स वो ज्योमेट्रिकल होता है. अब यहाँ पे दोनों साइड्स एक दूसरे, मतलब अगर इमेज को सेंटर से स्प्लिट करो, आप सेंटर से कट करो, तो दोनों साइड्स एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर है, एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, तब वो सिमेट्रिकल बैलेंस होता है. इसमें नहीं है या फिर इसमें भी नहीं हो सकता, ये सारे असिमेट्रिकल है. असिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि अगर इसको आप सेंटर से स्प्लिट करते हो तो आपको वो एग्जैक्ट मिरर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ विजुअल बैलेंस उसका सेम है. मतलब यूजुअली आपको ऐसा लगता है कि दोनों साइड एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर है, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते हैं. तो तब जो होता है वो असिमेट्रिकल बैलेंस होता है, जब यूजुअली आपको सिमिलर लगता है लेकिन एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर नहीं है. जैसे जितने भी नेचुरल शेप्स है, फॉर एग्जाम्पल ट्री हो गया, या फिर आप बटरफ्लाई का शेप ले लो, या फिर ये हो गया जैसे काउंटर ले लेते हैं हम कोई, तो इसमें भी आपको लगेगा कि वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर है, लेकिन कर्व टू कर्व, लाइन टू लाइन एग्जैक्ट मिरर यहाँ पे नहीं है. बस विजुअल बैलेंस है कि विजुअली जितना वेट लेफ्ट साइड पे है उतना ही वेट राइट साइड पे है, इसीलिए वो एक दूसरे का मिरर लगता है लेकिन मिरर है नहीं. तो इसीलिए ये आता है असिमेट्रिकल बैलेंस में, जिसमें विजुअल वेट जो है वो इक्वल है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर नहीं है. यहाँ पर सिमेट्रिकल बैलेंस है क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे के एग्जैक्ट मैच करेंगे. अब इसमें भी असिमेट्रिकल बैलेंस है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो एक दूसरे के एग्जैक्ट मैच तो होंगे नहीं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे कि दो एग्जैक्ट मैच है एक दूसरे के, तो वो हो जाता है असिमेट्रिकल. सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम लेते हैं तो वो अगर सेंटर से स्प्लिट करने के बाद मैक्सिमम जो शेप्स है वो सिमेट्रिकल फॉर्म क्रिएट करते हैं. जैसे ये है, सेंटर से स्प्लिट करोगे तो हाफ एंड हाफ जो है वो मैच करेगा. ट्रायंगल को आप सेंटर से स्प्लिट करोगे तो हाफ एंड हाफ मैच करेगा. वेयर एज यू थिंक कि आपका फेस भी सिमेट्रिकल है लेकिन आपका फेस असिमेट्रिकल पैटर्न में आता है, आपके जो फीचर्स है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर नहीं है, बस यूजुअली वो अपियर होते हैं ऐसे कि वो सिमिलर लगते हैं. तो इस तरीके से सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस है. जैसे ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, यहाँ पे आप कट करोगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्ट मैच करेंगे. सेंटर से स्प्लिट करने के बाद एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल बैलेंस होता है. वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमेट्रिकल बैलेंस, सिमेट्रिकल डिजाइन, सिमेट्रिकल डिजाइन. असिमेट्रिकल डिजाइन क्या होगा? असिमेट्रिकल बैलेंस में आपको विजुअली वो सेम लगता है लेकिन वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर नहीं है. सिमेट्रिकल में एग्जैक्ट मिरर होता है, असिमेट्रिकल में विजुअल वेट बैलेंस होता है. जैसे अगर आप कॉइन को सेंटर से स्प्लिट कर दो तो वो लगेगा आपको एक जैसा, लेकिन कॉइन का लेफ्ट साइड का टेक्स्ट कुछ अलग है, राइट साइड का टेक्स्ट कुछ अलग है सेंटर से स्प्लिट करने के बाद, तो वो अपीयर्स एक सिमिलर जैसे हो रहा है लेकिन वो कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए वो असिमेट्रिकल बैलेंस जनरेट करता है. इस इमेज को अगर आप सेंटर से स्प्लिट कर दो तो वो असिमेट्रिकल बैलेंस जनरेट करेगी. सो ऐसी कोई भी इमेज जो आप सेंटर से स्प्लिट करने के बाद आपको लगता है कि वो सिमिलर है लेकिन वो अलग अलग है, आपको पता है कि वो एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर नहीं है, तब वो असिमेट्रिकल बैलेंस हो जाता है. विजुअल वेट सिमिलर है लेकिन सिंबल से अलग अलग है, एक दूसरे के मिरर नहीं है,
तो वो असिमेट्रिकल बैलेंस हो जाता है. ऑब्जेक्ट दोनों साइड्स पे है, विजुअल वेट कैरी हो रहा है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, अलग अलग पोजिशन पे है, तो वो असिमेट्रिकल बैलेंस जनरेट करेगा. असिमेट्रिकल बैलेंस. देन देयर इज रेडियल बैलेंस. इसमें सेंटर के सराउंडिंग में जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है तब वो रेडियल बैलेंस होता है. सेंटर के सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है, सेंटर के सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है, तो उसमें रेडियल बैलेंस होता है. सेंटर के सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट. तो मंडला डिजाइन जो है वो आपको सिमेट्रिकल बैलेंस का एग्जाम्पल, सॉरी रेडियल बैलेंस का एग्जाम्पल देती है. या फिर आप फ्लावर पेटल्स को ले सकते हो, वो भी रेडियल बैलेंस में है, सेंटर के सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हो रहा है. या फिर आप स्नोफ्लेक्स को ले लो, तो वो भी आपको रेडियल बैलेंस का ही एग्जांपल सेट करते हैं. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स सेंटर के सराउंडिंग में प्लेस होकर बैलेंस फॉर्म करते हैं वो सारे रेडियल बैलेंस में आते हैं. ये सारे जो है वो रेडियल बैलेंस में आते हैं. रेडियल बैलेंस इस तरीके का भी अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो वो भी रेडियल बैलेंस को जनरेट करता है. कलर व्हील भी रेडियल बैलेंस जनरेट करता है. रेडियल बैलेंस सेंटर के सराउंडिंग में है सारे ऑब्जेक्ट्स. रेडियल बैलेंस वापस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के सराउंडिंग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तब वो रेडियल बैलेंस होता है. फिर उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं. तो तीन टाइप ऑफ बैलेंसेस है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल और रेडियल. देन वैरायटी, डीवी कॉर्ड, राइट. वैरायटी, वैरायटी में भी जैसे आप एक सब्जेक्ट लेते हो कोई भी, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ले लिया मैंने, तो फ्रूट्स में हमने कोई एक फ्रूट को डिनोट नहीं किया है, राइट. फ्रूट में आप एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो, आपके पास सब्जेक्ट एक ही है. जैसे ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास सब्जेक्ट है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमने शेप को डिफाइन नहीं किया है. उसमें सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, तो ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स है. तो हमने सब्जेक्ट एक ही रखा है, लेकिन उसके अंदर आप अगर वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हो, जैसे नेचुरल शेप्स, तो नेचुरल शेप्स में हमने लीव्स अगर ले लिया सब्जेक्ट वापस, तो लीव भी एक ही टाइप का लीव नहीं है, अलग अलग टाइप के लीव्स हम ले सकते हैं. तो इस तरीके से एक ही सब्जेक्ट में जब आप वेरियस फॉर्म्स को इन्वॉल्व करते हो, दैट टाइम वी क्रिएट वैरायटी. जैसे मंडला डिजाइंस अगर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो उसमें भी बहुत वेरियस टाइप ऑफ डिजाइंस है, एक ही डिजाइन नहीं है, राइट. तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर जब आप वैरायटी को क्रिएट करते हो तो वो वैरायटी, मतलब वो प्रिंसिपल हम यूटिलाइज कर रहे हैं. डायनेमिक शेप्स के लिए आप सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हो तो वो भी आप एक तरीके से वैरायटी को यूज कर रहे हो. Then there is next depth. Depth in design. Depth in design by आप object के orientation से भी ले सकते हो, या फिर object के angle से, sorry, placement से भी ले सकते हो. Depth in design. मैं आपकी इसके examples दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा idea clear हो जाएगा. So depth in design. ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से भी हो सकता है. ओरिएंटेशन मतलब उसका एंगल्स, जैसे ये है तो यहाँ पर ओरिएंटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट को डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के वजह से उसको डेप्थ क्रिएट हो रहा है. मतलब ऐसे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रंट में है और ये ऑब्जेक्ट पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि उसके प्लेसमेंट्स उतने डिस्टेंस पे किए हुए हैं और उतने
प्रोपोर्शन में किए हुए हैं कि जितना दूर जा रहा है तो उस हिसाब से उसको छोटा छोटा किया जा रहा है. सो ये भी आपको ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट और प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डेप्थ क्रिएट हो रहा है. यहाँ पर भी प्लेसमेंट और प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से डेप्थ क्रिएट हो रहा है. प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शन जिसकी वजह से डेप्थ क्रिएट हो रहा है. ये है ओरिएंटेशन जिसकी वजह से डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसमें भी प्लेसमेंट है ही. तो मैक्सिमम टाइम्स हम डेप्थ क्रिएट करने के लिए ओरिएंटेशन को, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशन है जिसकी वजह से डेप्थ क्रिएट हो रहा है. ओरिएंटेशन चेंज किया, डेप्थ क्रिएट हो रहा है. और दूसरा डेप्थ है बाय प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शन. तो दो तरीकों से आप ऑब्जेक्ट्स को यूज करके डेप्थ क्रिएट कर सकते हो. देन है कलर सैचुरेशन. कलर सैचुरेशन में हम कलर इंटेंसिटी को चेंज करके डिजाइन में जब एम्फोसिस क्रिएट करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि वो बाय एम्फोसिस बाय कलर सैचुरेशन है. तो उसके लिए भी हम एग्जांपल्स देखते हैं. इसमें हम मोनोक्रोमैटिक डिजाइन्स को ले लेते हैं जिसमें आपको वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कलर सैचुरेशन का यूज करके डिजाइन फॉर्म होता है. तो ये देखो, इस पूरे लेआउट में बैकग्राउंड से लेकर फोरग्राउंड तक एक ही कलर के यूज एंड सॉरी टिंट्स एंड शेड्स को यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी डिजाइन में एम्फोसिस है, कॉन्ट्रास्ट है, बैलेंस है. तो ये होता है एम्फोसिस सॉरी कलर सैचुरेशन इन डिजाइन, जिसमें आप कलर्स को सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करके यूज करते हो. मोनोटोनस जो भी डिजाइन होते हैं उसमें हम कलर को सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करके इम्पैक्ट जनरेट करते हैं. तो मोनोटोनस जो डिजाइन होते हैं उन सब में कलर सैचुरेशन का यूज होता है. एनवायरमेंट में भी आप देख सकते हो कि एक ही कलर के सैचुरेटेड वैल्यूज है, सैचुरेटेड एंड डिसैचुरेटेड वैल्यूज. ग्राफिक्स में आप वो ज्यादा देखोगे. कलर सैचुरेशन इन डिजाइन. थीम डिजाइन्स जिसको हम बोलते हैं, एक ही कलर को यूज कर सकते हैं जिसमें हम रिपीटेटिवली. तो इससे भी आपको डिजाइन में इम्पैक्ट लाने में हेल्प होती है, इसलिए ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है. फिर ओवरलैपिंग इन डिजाइन, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करते हो, वन ऑब्जेक्ट इज ओवरलैप बाय अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है. जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो है उसकी वजह से भी डिजाइन में एक एम्फोसिस क्रिएट होता है या फिर एक पैटर्न क्रिएट होता है. सी ओवरलैपिंग इन डिजाइन, जब ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करके हम कुछ शेप फॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं अगर, तो वो ओवरलैपिंग ऑफ डिजाइन है जिसमें ओवरलैपिंग को एक अलग इम्पोर्टेंस मिल जाता है. ट्रेंडिंग लेआउट्स में अगर आप देखो तो इस तरीके के लेआउट्स आपको मिलते हैं. तो ये कलर ओवरलैपिंग है, ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग हो सकता है. सी ओवरलैपिंग, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके फिर हमने इम्पोर्टेंस या फिर एक प्लीजेंट कॉम्बिनेशन, रिदमिक कॉम्बिनेशन जो है कंपोजिशन फॉर्म किया है.
लोगोज में भी आप बहुत बार इस तरीके का ओवरलैपिंग देखोगे, पैटर्न क्रिएट करते टाइम पे मोर टाइम्स ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलता है, या फिर इस तरीके के ऑफर्स जब आप लिखते हो तो उसमें भी आप ओवरलैपिंग जनरेट करते हो। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग से भी आप अपने डिजाइन को इंटरेस्टिंग या फिर मोर इम्पैक्टफुल बना सकते हो जस्ट बाय ओवरलैपिंग द ऑब्जेक्ट्स। देखो सिंपल लाइन का ओवरलैपिंग है लेकिन फिर भी एक इम्पैक्टफुल डिजाइन जनरेट हो रहा है। ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, see overlapping of pattern on shape. तो इस तरीके से overlapping principle का use करके भी design को impactful बनाया जा सकता है। R for repetition, repetition of same element in design. जैसे कि यहाँ पर है same elements का repetitive use है, same elements का repetitively use है, जिससे भी आप impact create कर सकते हो design में। बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि सेम एलिमेंट्स का रिपीटेटिव यूज हो रहा है, ओवरलैपिंग के साथ भी रिपीटेशन यूज होता है। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट जस्ट प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ही है। इस तरीके से रिपीटेशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट का रिपीटेटिव यूज हो रहा है लेकिन फिर भी डिजाइन में अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे लेआउट में आप इस तरीके से कर सकते हो। हेक्सागॉन्स को रिपीटेटिवली यूज हो रहा है। पैटर्न डिजाइन करने के लिए बहुत बार इस तरीके से यूज होता है। रिपीटेटिव यूज ऑफ एलिमेंट्स। सो बीवी कॉर्ड में बी फॉर बैलेंस, वी फॉर वैरायटी। वैरायटी मतलब आप एक ही सब्जेक्ट नेम के अंदर जो वेरिएशंस फॉर्म कर सकते हो, तो वो जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में आप वुमन को ले सकते हो, मेन को ले सकते हो, चाइल्ड को ले सकते हो, इन्फेंट्स को ले सकते हो, ओल्ड एज को। तो सिलोएट्स को इस तरीके से अगर हम सामने रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट में आप बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज हार्ट है तो हार्ट में आप ग्राफिक हार्ट भी रख सकते हो, रियलिस्टिक हार्ट भी रख सकते हो। इस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो एक ही सब्जेक्ट के अंदर। फिर फ्रूट्स के लिए जैसे हमने बोला कि अलग अलग वेरियस फ्रूट्स को ले सकते हैं, लीव्स के लिए अलग अलग लीव्स को ले सकते हैं, प्लांट्स के लिए अलग अलग प्लांट्स को ले सकते हो। फूड एक सब्जेक्ट होगा तो फूड में भी वेरिएशन हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर कुक्ड फूड हो सकता है, अनकुक्ड फूड हो सकता है, वेज हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है। इस तरीके से हम उसमें भी वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं। फ्लावर्स है तो फ्लावर्स में भी हम मल्टीपल वेरिएशन दे सकते हैं। सिंबल्स के लिए है तो अगर सिंबल भी एक ही कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स के बारे में बात कर रही है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ सिंबल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर जब आप वेरिएशन क्रिएट करते हो तो उस तरीके से भी आप अपने डिजाइन को मोर इम्पैक्टफुल बना सकते हो। सो बीवी कॉर्ड में से हमारा बैलेंस, वराइटी, रिपीटेशन, डेप्थ, कलर सैचुरेशन, ओवरलैपिंग, ये छह प्रिंसिपल्स कवर हो चुके हैं। यहाँ पर आपका थर्ड यूनिट जो है वो खत्म हो जाता है। थर्ड यूनिट में आपने विजुअल एलिमेंट्स देखे हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन देखा है जिसमें आप हाउस कीवर्ड यूज कर रहे हो, जिसमें हार्मनी, अपोजिशन और
unity, क्या था और स्केल और एम्फोसिस, ये ऑप्शंस आपने देखे थे. नेक्स्ट है बीवी कॉर्ड, जो आप आर्ट एंड कंपोजिशन के प्रिंसिपल्स को लेकर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें आपका कीवर्ड रहेगा बीवी कॉर्ड, जिसमें बी फॉर बैलेंस, वी फॉर वैरायटी, सी फॉर कलर सैचुरेशन, ओ फॉर ओवरलैपिंग, आर फॉर रिपीटेशन एंड डी फॉर डेप्थ, जिससे आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे. इसलिए कीवर्ड्स को याद रखो तो बाकी चीजें आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखना. यहां तक किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? कल हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे. नहीं मैम, डाउट नहीं है. ठीक है. तो मैं आज का सेशन यहीं पे एंड कर देती हूँ और कल हम लोग वापस फोर्थ यूनिट से कंटिन्यू करेंगे. इसका पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. यस मैम. एंड अप कर रही हूँ आपका नेक्स्ट सेशन.